मुमरा के हॉकरों पर हुआ जुल्म, मंत्री जितेंद्र आहाड़ की चेतावनी के बाद जमकर हुई मुमरा में कार्रवाई। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बुधवार को एक कार्यक्रम में उपस्थित होकर मंत्री जितेंद्र आहाड़ की गाड़ी जो है वो आ नहीं रही थी, जिसके चलते उन्होंने हॉकर्स पर इसका गुस्सा उतारा और कहा कि ट्रैफिक जाम और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है हॉकरों की वजह से, जहां पर हॉकरों पर अगर बुधवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं खुद डंडा लेकर के नीचे आऊँगा, मैं मंत्री होने के बावजूद जो है डंडा लेकर खड़े रहूँगा। जिसके बाद ज़ोरों शोरों से कार्रवाई सभी हॉकरों पर होने लगी और यहीं तक पूरा मामला नहीं रुका। गुलाब पार्क, जहाँ पर इससे पहले भी राजीव गांधी हॉकर यूनियन को मित्तल में बसाया गया था और 2 महीने का अल्टीमेट देने के बावजूद उन्हें वापस से गुलाब पार्क पर शिफ्ट करते हुए ये कहा गया था कि जब तक रोड का काम पूरा नहीं होता तो हम मार्केट को गुलाब पार्क में लगने देंगे। जिसके बावजूद कार्रवाई हुई और कार्रवाई काफ़ी ज़ोरों शोरों से हुई, जिसका वीडियोज़ हम आपको दिखाते हैं कि कैसे JCB लगाकर पूरी दुकानें को तोड़ा गया और तोड़ते वक्त जो है एक भी TMC अधिकारी ये सुनने को तैयार नहीं था कि ये मनपा की दी हुई मित्तल ग्राउंड की जगह के बदले जो है गुलाब पार्क में दी हुई जगह है तो इस पर कार्रवाई ना करें। लेकिन नतीजा ये निकला, मंत्री जितेंद्र आहाड़ ने तो लीगल हॉकर जोन नहीं दिया और जहां पर अवैध बना कर दिया गया था अब उसे भी उजाड़ दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुमरा को कब मिलेगा लीगल हॉकर जोन और कब तक इसी तरीके से हॉकर्स रहेंगे लावारिस। जो भी जितना भी पुलिस फोर्स लगाने का लगा दो, आज वेनसडे है ना, मैं अगले बुधवार को आऊंगा, मुझे सब छाप चाहिए। इतना अगर ये हॉकर्स वाले दादागिरी करने वाले रहेंगे, सोसाइटी वालों को तकलीफ देने रहेंगे, तो मुझे कोई गम नहीं कि मिनिस्टर होकर भी डंडा लेके यहाँ रास्ते पे उतरूंगा। कोणीही दादागिरी करायला आला 353, कोणीही दादागिरी करायला आला 353 हात टाकून त्या हातात दादा दिसत राहील। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक न्यूज़ के साथ।